बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास सिक्स, सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन नंबर 9, सीजन्स ऑफ द ईयर। आज लेसन नंबर 9 की एक्सरसाइज का फर्स्ट लेक्चर है। पेज नंबर है जी 95। कैबलरी से स्टार्ट है। ए पार्ट है, मेक एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। यू कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स। अब उसने कहा है, अब हमें एक वर्ड दिया हुआ है वेदर, उसके उसने मतलब उसके लेटर्स सेपरेट कर दिए हैं डब्ल्यू ई ए टी एच ई आर। उसने कहा जितने वर्ड्स आप से बन सकते हैं उस लेटर, उसमें जो लेटर्स मौजूद हैं उनके बनाएं, और आप ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। जो ए पहले आ सकता है, टी पहले आ सकता है, डब्ल्यू पहले आ सकता है, आर आ सकता है, आगे पीछे करके इनको जितने लेटर से वर्ड बन सकते हैं वो आपने बनाने हैं। एग्जांपल उसने दिया जी हीट ट्री। अब इसी तरह आप जितने मर्जी बनाना चाहें, बहुत इजी है, बहुत इजी है, और बहुत इजीली बन जाते हैं। और मैंने जो बनाए हैं वो आपके सामने हैं, ये देखें। मैंने बनाया है वेट, मैंने बनाया है द, हियर, देयर, वेयर, रैट, ईयर, वाटर, टी, हर, हेयर, थ्रू, हार्ट, वीट, एट, एट। बन तो काफ़ी ज़्यादा रहे थे, लेकिन मैंने 15 मैक्सिमम बनाए हैं। गीला होना, द, ये आर्टिकल है, हियर सुनना, देयर वहाँ, वेयर कहाँ, रैट चूहा, ईयर कान, वाटर पानी, टी चाय, हर उसका, हेयर यहाँ, थ्रू फेंका, हार्ट दिल, वीट गंदुम, और एट पर। ये हमारे जो ए पार्ट था कि एज़ मैनी वर्ड्स आपने बनाने हैं वेदर के लेटर्स, जितने वेदर में लेटर्स हैं उनसे, तो ये हमने 15 मैंने आपके लिए बनाए हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है जी बी, फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन थ्रेशर। डिक्शनरी में आपने इन अल्फाज के सिनोनिम्स जो हैं, मिलते जुलते अल्फाज, वो तलाश करने हैं। आप चाहें तो अपनी डिक्शनरी यूज़ करें, मैंने अपनी डिक्शनरी यूज़ की है, आप उसमें से इन अल्फाज से मिलते जुलते जो हैं आपने सिनोनिम्स यानी सेम मीनिंग हो वो वर्ड्स आपने आगे लिखने हैं। फर्स्ट वर्ड है जी मैनिफेस्ट, फिर है ब्लॉसम, स्कैर्सिटी, फ्रीक्वेंट और फ्रेग्रेंस। मैनिफेस्ट इजहार, ब्लॉसम खिलना, स्कैर्सिटी किल्लत, फ्रीक्वेंट अक्सर, और फ्रेग्रेंस का मीनिंग होता है खुशबू। ये भी यहाँ पे जगह नहीं थी, इसको भी सेपरेट तरीके से ही करना पड़ना था, तो मैंने ये यहाँ पे कर दिया है। ये देखें, फर्स्ट है जी मैनिफेस्ट, इसका हम कर सकते हैं इजहार या जाहिर करना। तो इसके सिमिलर जो अगर आप देखें वर्ड्स या इसके सिनोनिम्स जो हैं वो हैं मैनी, ऑब्वियस, क्लियर, एविडेंट और अपरेंट। ये चारों जो हैं ये सिनोनिम्स हैं मैनिफेस्ट के। फिर हमारे पास आता है ब्लॉसम, खिलना, फ्लावर, खिल के जाहिर है, फूल बनना, फूल, और ब्लूम का मीनिंग भी इसी में आता है। इसके ज़्यादा नहीं थे, इसके सिनोनिम्स कम ही थे। आगे जी हमारे पास है स्कैर्सिटी, इसका मीनिंग होता है किल्लत, और किल्लत के लिए जो या स्कैर्सिटी के लिए जो सिनोनिम्स थे वो हैं शॉर्टेज, लैक, इनसफिशेंसी। ये तीनों जो हैं सिनोनिम्स हैं स्कैर्सिटी के। फिर है जी फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट होता है अक्सर, रिकरेंट, बार बार, रिपीटेड, दोहराना, और ऑफन या परसिस्टेंट जो हैं ये मतलब सेम मीनिंग में आता है फ्रीक्वेंट के। आगे है जी फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस कहते हैं खुशबू को, और इसके लिए जो सिनोनिम्स हैं वो हैं सेंट, परफ्यूम, एरोमा और ऑर्डर। ये हमारे सिनोनिम्स से भी पार्ट वो कंप्लीट हो गया है। 5 वर्ड्स थे जिनके उसने कहा था डिक्शनरी में से आपने सिनोनिम्स जो हैं वो बताने हैं, तो वो मैंने आगे मेंशन कर दिए हैं। और सबसे कम जो थे वो ब्लॉसम के थे, इसके ज़्यादा थे ही नहीं,
तो इसलिए ये दो हैं, बाकी के तीन तीन चार चार। लेकिन मैंने आपकी क्लास के हवाले से वो वर्ड्स लिखे हैं जो आपके आम रूटीन में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ये हमारा बी पार्ट भी हो गया है कंप्लीट। अच्छा, अब हमारे पास है नेक्स्ट पार्ट पेज नंबर 95 पे, रीडिंग फॉर कंप्रीहेंशन, यानी समझे और रीडिंग जो है उसको समझे। समराइज द लेसन बाय कंप्लीटिंग द साइकिल ऑफ द सीजन, आपने लेसन को कंप्लीट करना है इस साइकिल को, यानी सीजन के साइकिल से लेसन को समराइज करना है, इस साइकिल को कंप्लीट करना है। ठीक है, इस जो सीजन्स के साइकिल से, ये साइकिल है, ये उसने कहा सीजन्स का साइकिल है, इससे कंप्लीट करना, समराइज कर देना लेसन को। तो हमारे पास जो थे फोर वेदर्स थे, तो जो लेसन जो था वो अगर आप देखें तो वो स्टार्ट हो रहा था, ये देखें पेज नंबर 93 है और पैराग्राफ 2 स्टार्ट होता है जी स्प्रिंग से। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन, और स्प्रिंग के बाद हमारे पास आया था, इधर ही मैं आपको एग्जांपल भी साथ ही दे रही हूँ, ये देखें ये स्प्रिंग था, फिर उसके बाद यहाँ पे आता है समर सीज़न। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, समर सीज़न। अब समर सीज़न के बाद हमारे पास था पेज नंबर 94 पे, आप देखें ऑटम, तो हम करेंगे ऑटम सीज़न। फिर हमारे पास लास्ट में अगर आप देखें तो इसी पेज पे 94 पेज पे, ये देखें आफ्टर ऑटम्स कम विंटर, तो क्या आ जाएगा विंटर सीज़न। ये हमारे पास साइकिल हो गया कंप्लीट, लेसन का, लेसन की समरी हमने इस साइकिल के थ्रू बयान कर दी, स्प्रिंग, स्प्रिंग के बाद समर, समर के बाद ऑटम, ऑटम के बाद विंटर, ये साइकिल ऐसे चलता रहता है एक साल भी, ये चारों सीजन जो हैं वो अपीयर होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है इसी पेज पे बी पार्ट, चूज़ द राइट ऑप्शन, द लेसन इज़ अबाउट, लेसन किस बारे में था, रेन के, स्प्रिंग के या सीजन्स के। लेसन था जी हमारे पास सीजन्स के बारे में, तो सीजन्स को हमने एनसर्कल कर दिया। ईच पैराग्राफ इन द लेसन स्पोर्ट्स द मेन आइडिया थ्रू, उसने कहा हर पैराग्राफ, लेसन के हर पैराग्राफ जो है वो मेन आइडिया को किसके लिए बयान करता है, सहारा देता है, डेफिनेशन के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू या एविडेंस के थ्रू। तो जी किसके थ्रू देता है, वो एविडेंस के थ्रू देता है, एविडेंस होते हैं जिस वो, तो उसने सारी डिटेल बताई हुई है। तो हमारा ये पेज नंबर 95 जो है वो कंप्लीट हो गया।